और जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद ग्रामर रुद्रपुर यूके, इस पे आप अभी कुछ ही दिनों से टेंसेस वगैरह पढ़ रहे हैं और टेंस कितने प्रकार के हैं, क्या है, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है। लगभग बच्चों को पता ही होता है कि टेंस कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं, उनके भाग कितने हैं, वो भी सब आपको पता ही है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि तीन टेंस की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं कंटिन्यूअस टेंस की, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है अपने आप में बहुत हार्ड भी है और अपने जीवन में या अपने काम में सबसे ज़्यादा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है, आप कहीं इंटरव्यू के समय पर या अपना इंट्रोडक्शन देने के टाइम पर या किसी का इंट्रोडक्शन आप लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भूलता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कठिन है इसलिए कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी को जो कन्फ्यूज़न रहती है इस बात की कि कहाँ पर हम एस और ई एस लगाएं। बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और उसके साथ साथ इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूरी उतना ही है जितना कि आपका पढ़ना। लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ पढ़ें फिर ज़रूरी है। और सभी बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक से सुना करें, और जो भी आपको मटेरियल चाहिए होता है ये पूरा बोर्ड पे लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने अन्य दोस्तों को भी आगे से आगे भेजें ताकि उन तक भी शिक्षा का प्रचार प्रसार पहुंच सके। हमें शिक्षा को बढ़ाना है, किस प्रकार से शिक्षा बढ़ेगी, बड़े माध्यम है तो हमारे पास यूट्यूब चैनल का माध्यम भी एक है, हम शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। तो आज हमारी स्टार्टिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब समझ जाएं, प्रेजेंट मैंने वर्तमान, वर्तमान काल में, इंडेफिनिट, देखो इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का मतलब क्या है कि अनिश्चित, डेफिनिट मैंने होता निश्चित, दो वर्ड हैं डेफिनिट और इंडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब निश्चित, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, टेंस मैंने काल। तो ये टेंस खुद ही कह रहा है वर्तमान अनिश्चित काल, कहने का मतलब ये है इस टेंस में कार्य का वर्तमान में अनिश्चित रूप से होना या ना होना पाया जाता है। पहली परिभाषा आप याद करेंगे जो मैंने अभी बोली है इसको। दूसरी है सब्जेक्ट की आदत प्रकट होती है। अब आपकी हैबिट क्या है, आपकी आदत क्या है, वो वर्तमान की आदतें जो भी आपके अंदर हैं, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ मेरी हैबिट है, मैं 5 बजे उठता हूँ मेरी हैबिट है, या आप अपने शब्दों में सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक जो भी हम रोज करते हैं या कार्य का बार बार होना, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। आप देख लीजिए आप रोज़ क्या क्या करते हो। आपने कहा मैं 5 बजे उठता हूँ, फिर वॉशरूम जाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, स्कूल जाता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, समझ रहा नहीं आ रहा है, तो खाना खाता हूँ, काम बार बार, खाना क्या आप दिन भर में एक ही बार खाते हैं, बार बार 3 बार भी हो जाता है, 4 बार भी हो जाता है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको हम दिन भर में कई बार करते हैं। क्लियर हो गया, सुबह उठने से लेके शाम सोने तक की जो भी क्रियाएं होंगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगी। फिर आते हैं सिंगुलर, तो सिंगुलर बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, सिंगुलर का मतलब आप सबको पता है कोई भी एक वचन, कोई भी एक वचन, कोई भी एक, उसका मतलब सिंगुलर, और प्लूरल मैंने कोई भी एक से ज़्यादा। सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा उस टाइम आप वर्ब के साथ एस और ई एस लगाएंगे। पहले वाले टेंसेस में आपने ये सीखा कि वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, आई एन जी, और अब हम तीनों इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पहले हमने 3 इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूअस पढ़े थे, अब 3 हमारे इंडेफिनिट चलेंगे। मैं हर बार बोलता हूँ टेंस को पढ़ने का क्रम बनाइए, अब लगातार इंडेफिनिट इंडेफिनिट रहेगा आपके दिमाग में तो वर्ब और सब्जेक्ट की जानकारी, पहले कंटिन्यूअस रहा था तो आई एन जी। सिंगुलर के साथ वर्ब में यहाँ तो लगेगा आपका एस और यहाँ लगेगा आपका
ई एस, यहाँ क्या लगेगा एस, यहाँ लगेगा ई एस। देखिए जब वर्ब के अंत में ओ हो, क्या हो ओ, तब उस टाइम आप लगाएंगे ई एस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देख लीजिए गो, इस गो के लास्ट में क्या है ओ, तो यहाँ पर ओ हमने देख लिया, इस गो के साथ हमने ऐड कर दिया ई एस, तो ये बन गया आपका गोस। सेम है आपका डू, इस डू के लास्ट में क्या है ओ है, और इस ओ के साथ हमने क्या जोड़ दिया ई एस, तो ये बन गया आपका डज। देखें बाकी सभी के साथ लगभग एस का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ एस का प्रयोग करेंगे। और देख लें रीड, इस वर्ब के लास्ट में आपका ओ नहीं है, इस वर्ब के लास्ट में आपका ओ नहीं है, तो यहाँ पर हम एस लगा देंगे। देख लीजिए रीड्स, यहाँ प्ले, इस वर्ब के अंत में भी ओ नहीं है, तो यहाँ हमने एस लगा दिया। कैच, इसके भी अंत में ओ नहीं है, देख लीजिए ओ नहीं है, हमने कट लगा रखा है, निशान कट का है, यानी कि ओ नहीं है, तो आपने एस लगाया। कैच, राइट, इसके भी लास्ट में ओ नहीं है, ओ नहीं है, तो हमने क्या लगाया एस का प्रयोग किया। रीड्स, प्लेस, कैचेस, राइट्स, लेकिन कुछ वर्ब के साथ आई ई एस लगता है। ये वाला जो नियम मैंने बताया है, पहले भी बोल दिया था भी कुछ वर्ब पे ये नियम लागू नहीं होगा, आई ई एस लगेगा। जैसे ट्राई, अब देख लो जैसे ट्राई शब्द आया है, तो ट्राई के अंत में ओ नहीं है, ट्राई के अंत में ओ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर वाई हटा देंगे, आई ई एस ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा ट्राइज। सेम है फ्लाई, इसका भी वाई हट जाएगा पर ऐड हो जाएगा आई ई एस, तो बन जाएगा फ्लाइज। क्राई, इसका भी वाई हट जाएगा, ऐड हो जाएगा आपका आई ई एस, क्राइज। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, जब आपको स्पेलिंग मिस्टेक की क्लास पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे ऐसा क्यों हुआ था। देखो यहाँ भी वॉवेल्स है, यहाँ भी वॉवेल्स है, जहाँ पर वॉवेल्स आते हैं कुछ ऐसे नियम हैं इनको लिखने के, वो स्पेलिंग की क्लास में पढ़ाएंगे। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कहाँ लगेगा एस और कहाँ लगेगा ई एस। हाँ, जब सब्जेक्ट आपका बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, उस टाइम पे आप एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जो भी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे रीड, प्ले, कैच, खाली इसको ऐसे लिख देंगे, एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं कब एस और ई एस लगाना है। तो स्टूडेंट, पहले आप समझ चुके हैं कि कहां पर एस और ई एस आएगा और कहां पर एस और ई एस नहीं आएगा, तो अब हम एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, इस अफर्मेटिव को आप वॉइस में सुन रहे हैं, इस अफर्मेटिव को एसर्टिव और पॉजिटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसर्टिव और पॉजिटिव भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप देखें रूल, रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद आपकी आएगी वर्ब, उस वर्ब में आपका लगेगा एस या ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, सिंगुलर के साथ, किसके साथ? सिंगुलर के साथ एस और ई एस, और प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो राम पढ़ता है, तो पढ़ता कौन है? राम। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट निकल के आया, पढ़ता कौन है? राम। तो राम को बनाया हमने सब्जेक्ट, राम, तो पढ़ता है, पढ़ने की इंग्लिश रीड। देख लीजिए इस वर्ब के अंत में ओ नहीं है, अब इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? एस का। राम रीड्स, राम बाजार जाता है। अब ध्यान दें, राम जाने की इंग्लिश क्या है? गो। देख दें अभी इस वर्ब के अंत में क्या है? ओ है, तो जिस वर्ब के अंत में ओ आता है वहां मैं बता चुका हूं आप लगाएंगे ई एस। राम गोज, कहां जाता है? टू मार्केट। अगर हम किसी स्थान पर जाते हैं उस स्थान से पहले टू का प्रयोग करते हैं
यदि हम किसी स्थान से वापस आते हैं तो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। राम गोज़ टू मार्केट। अब देखें, राम वह खेलने जाता है तो वह क्या करेगा, पहले जाएगा, वह जाता है। देखें, अब इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं, कौन सी, एक जाना और एक दूसरी खेलना। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा ही, जाने की इंग्लिश, गो वर्ब के लास्ट में ओ है तो आपने जोड़ दिया ई एस, ही गोज। क्या करने जाता है, खेलने। उसका उद्देश्य क्या है, खेलना। जहाँ पर उद्देश्य की बात आएगी, जहाँ पर उद्देश्य की बात आएगी या वर्ब के लास्ट में ने आएगा या ना आएगा, उस वर्ब को लिखने से पहले आप टू का प्रयोग करेंगे, टू, और टू के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म, ही गोज टू प्ले। तो पहले हमने राम किसी का नाम था, उस नाम की जगह पर हमने कोई और शब्द प्रयोग कर दिया, बोल दिया वह, तो वह यहाँ पर ही हो गया। यदि किसी के नाम पर दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अब लिख दे रहे हैं, वह लड़का घूमने जाता है, वह लड़का घूमने जाता है, तो वह लड़का, अब वह लड़का, तो ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, दिस दैट दीज दोज का प्रयोग, वहाँ पर जाके आपको क्लियर होता है, जब वह लड़का, वह लड़की, वह आदमी, वह औरत, ये लड़के, वे लड़के, उनके लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो अब देखें, आप यहाँ यूज़ करेंगे आप दैट, किसका प्रयोग करेंगे, दैट बॉय, यहाँ भी वही कंडीशन है, पहले वो जाएगा। हाँ, बेटर तरीका है, आप पीछे से ऐसे शुरू करो, ऐसे बनाते हैं, दैट बॉय, देख लीजिए इसके लास्ट में ओ है, दैट बॉय गोज, क्या करने जाता है, टू रोम, दैट बॉय गोज टू रोम, वह लड़का खेलने जाता है। आप अपना कार्य करते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर एक शब्द आया अपना, अपना कार्य, तो आप करते हैं, तो सबसे पहले आप, यानी कि यू को हम बहुवचन मानते हैं, यू करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डू, यू डू। देखें, अब कहेंगे सर आप इसके अंत में ओ आ रहा है तो हम ई एस क्यों नहीं लगा रहे। अब आपका क्वेश्चन है कि सर आपने कहा जब वर्ब के अंत में क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो उस टाइम पे क्या लगाएंगे, ई एस। लेकिन साथ साथ ये भी बात ध्यान रखें, ये बहुवचन है, यू को प्लूरल माना जाता है, तो यू प्लूरल है और प्लूरल के साथ एस और यस का प्रयोग नहीं होगा। यू डू तो किसका काम, योर वर्ग, जो ये योर शब्द आया है इसको बोलते हैं पोजेसिव, यानी कि जो जो अपना कोई काम करता है जब उनके लिए अपना शब्द आता है उन शब्दों को हम पोजेसिव बोलते हैं, अधिकार। वह अपना काम करता है, ही, सॉरी, यू डू योर वर्क, तुम अपना कार्य करते हो। वे अपना कार्य करते हैं। अब वे बहुवचन है, दे क्या जाएगा, दे, अब यहाँ भी बहुवचन के साथ फर्स्ट फॉर्म, दे डू, अब इसके लिए अपना शब्द आया है देयर। जब भी किसी बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए अपना शब्द आएगा तो वहाँ पर आप देयर कब यूज़ करेंगे, दे डू देयर वर्क। अब यहाँ यूज़ कर दे रहे हैं, वे लड़कियाँ खाना बनाती हैं। अब देखो, यहाँ पर खाली वे आया था, आपने दे यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर वे के साथ एक नाउन भी है। अब नाउन एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम वे की इंग्लिश पे ध्यान देंगे। इस केसेस में आपकी इसकी इंग्लिश बन जाएगी दोज गर्ल्स। मैंने दिस दैट दीज दोज वाली वीडियो में ये बताया है, दिस दैट दीज दोज का प्रयोग कब और कहाँ होगा वो आप देखेंगे। दोज गर्ल्स कुक
फूड देख लीजिए, यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हम एस और यस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दोज गर्ल्स कुक फूड। माता जी अपना कार्य करती हैं, तो सबसे पहले माता जी मदर, सब्जेक्ट सबको पता है कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, मदर। अब काम करने की इंग्लिश क्या होती है, डू। देख लीजिए अब इस वर्ब के अंत में ओ आ रहा है लेकिन यहाँ पर हम ई एस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माता जी एक वचन है, एक वचन के साथ ई एस और एस का प्रयोग होता है। मदर डज हर वर्क, जो ये हर शब्द आया है अपने के लिए आया है, किसी भी स्त्रीलिंग जाति के लिए अपना शब्द आए लेकिन वो एक हो तब किसका प्रयोग करेंगे, हर। किसका यूज़ करेंगे, हर का यूज़ करेंगे। तो बच्चों ये उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल को समझ लें, अगर आपको अपना काम लेना हो, वर्क लेना हो तब भी आप ले सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट रूल है वो नेगेटिव और अफर्मेटिव के साथ मैंने यस लिखा है, या आगे जाके आप बताऊंगा यस और नो का मीनिंग। अब ध्यान दें आप नेगेटिव, अब नेगेटिव में क्या है, इस नहीं का प्रयोग होगा, अफर्मेटिव के ऊपर मैंने यस लिखा था, नेगेटिव के ऊपर मैंने नो लिखा है, क्या लिखा है, नो। तो ध्यान देना नेगेटिव मैंने नहीं, इन वाक्यों में जो हम जवाब देंगे, किसी को भी पूछा आपसे बाजार जाते हो, नहीं सर मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो सबसे पहले सिंगुलर, सिंगुलर के साथ आपका आएगा डज नॉट और प्लूरल के साथ आएगा आपका डू नॉट। और जब वाक्य में आपको कभी नहीं मिल जाए, क्या मिले, कभी नहीं, तो कभी नहीं की इंग्लिश है आपकी नेवर, और नेवर के साथ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप लगाएंगे एस और यस, और जब नेवर के साथ सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस और यस का प्रयोग आप नहीं करेंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये आपका रूल है। तो सबसे पहले हम हर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही लिखते हैं, सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेवर का रूल, सब्जेक्ट नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, ये डू नॉट डज नॉट कहाँ से आता है भाई, डू और डज कहाँ से आता है। तो हम आज इसको भी क्लियर करेंगे कि हम डू डज का प्रयोग क्यों करते हैं, और डू डज वाक्य में नहीं है, डू या डज की कोई हिंदी वाक्य में नहीं मिल रही है, फिर भी हम डू डज का प्रयोग क्यों करते हैं, इसको भी साथ साथ समझेंगे आप। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा आप समझ जाएंगे। राम पढ़ने नहीं जाता है। अब ध्यान दें एक मिनट, तो राम सबसे पहले सब्जेक्ट राम है, फिर है जाता है, फिर है पढ़ना, फिर है नहीं। इस सेंटेंस में बहुत ध्यान दें आप लोग, प्लीज़ सब बच्चे ध्यान देंगे कि नहीं के साथ साथ ऐसा क्यों करा है। देखो राम, इसकी इंग्लिश है आपके पास, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो राम पढ़ने की इंग्लिश भी आपके पास, स्टडी नहीं की इंग्लिश भी आपके पास, नॉट और जाने की इंग्लिश भी आपके पास, गो, ये सबकी अलग अलग इंग्लिश है, और आप जानते हैं कि इस टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कभी आपने ऐसा सेंटेंस सुना है, राम नॉट गो टू स्टडी, तो यानी कि ये गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब देखें जो मैं डू डज की बात कर रहा हूँ कि डू डज कहाँ से आया, डू और डज का प्रयोग हमने क्यों किया, ये डीपली क्वेश्चन है आपके, आपको इनकी ओर ध्यान देना है। जो हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें यही चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे डू डज पूछ लिया कहाँ से आया, क्यों आया, लेकिन जब तक आपको उसकी बेसिक फॉर्म पता नहीं है, तो मैंने एक चैप्टर लोड किया है उसमें ये लिखा है द टाइप्स ऑफ वर्ब,
वहाँ जाएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से पता लग जाएगा वो डूडर्स कहाँ से आया, इज एम आर वाजवर विल बी शैल बी कहाँ से आया, वहीं बताऊँगा आपको। मैं तीन बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, बी डू और हैव। अब देखें राम, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट राम, अब जाता है तो क्रम क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो और उसके बाद वर्ब में एस और एस लगाओ। अगर आप इस वर्ब में एस और एस लगा देते हैं तो राम नोट गोस होता नहीं। अब आपको करना क्या है, किसी एक वर्ब की सहायता लेनी है। आपने इस वर्ब को लिया, इसमें एस और एस लगता नहीं, आपने इसको लिया, इसमें अगर एस और एस लगता भी है तो वो बन जाता है हैज़ और उसके बाद आती है थर्ड फॉर्म। लेकिन अब हमारे पास एक वर्ब बच रही है डू, कौन सी बच रही है डू, तो हमने इस डू वर्ब को लिया, देखिए डू, अब इसमें हमने लगा दिया ई एस, बन गया राम डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार यही होता ना कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ उसके बाद एस और एस लगाओ, अब हो गया डज राम। अब आप इसमें से लगाइए नॉट, जब एक बार वर्ब में एस और एस लग गया है तो दोबारा वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा। राम डज नॉट गो टू स्टडी, समझ में आ गया होगा। देखें सेम, वे खेलने नहीं जाते हैं, वे खेलने नहीं जाते हैं। अब ये लोग कितने हैं, ज़्यादा हैं, तो वे की इंग्लिश हो गई आपकी। दे, देख लीजिए सिंगुलर के साथ डज आया है और प्लूरल के साथ डू आया है, हमने इसी डू को पकड़ा, यहाँ लगा दिया डू, तो इसके संग लगा दिया नॉट डू नॉट, दे डू नॉट गो टू प्ले। तो जब हमने हेल्प इस वर्ब की ली है तो इसका मतलब ये वाली जो वर्ब है, ये वाली, इसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और वाक्य में एक वर्ब ये थी, ये बन गई हमारी मेन वर्ब, कौन सी बन गई, मेन वर्ब। क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब मैं दो तीन एग्जांपल दे दे रहा हूँ आपको, राम अपना कार्य स्वयं करता है, राम अपना कार्य स्वयं करता है। अब ध्यान दें आप लोग, इसमें अपना शब्द भी है स्वयं शब्द भी है, तो सबसे पहले राम, राम अपना कार्य स्वयं, सॉरी नेगेटिव पढ़ रहे हैं, नहीं करता है, तो राम डज नॉट। क्लियर हो गया। अब इसमें मेन वर्ब कौन सी है, करना, कौन सी है, करना। राम डज नॉट डू अपने की इंग्लिश हिज, क्या, वर्क, हिज वर्क। अब कैसे, स्वयं इनकी खुद, हिमसेल्फ। जहां भी आपको एक वचन मिले लेकिन वो पुरुष हो, यानी कि वो पुरुष हो, स्त्रीलिंग नहीं पुरलिंग, क्या हो, पुरुष हो, उनके लिए आप जब भी अपना शब्द आए आप यूज करेंगे हिज, और स्वयं आए तो आप यूज करेंगे हिमसेल्फ, लेकिन वो एक होना चाहिए, कितने होना चाहिए, एक होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस देख लें आप, वे अपना कार्य स्वयं करते हैं। अब देखें, ध्यान दें, अब वे लोग ज़्यादा हैं, इसके साथ भी अपना आया है और स्वयं आया है, तो जब एक से ज़्यादा होंगे उनके लिए अपना आए और स्वयं आए, तो दे 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 डू नॉट, अब करने की इंग्लिश डू, अब बोलोगे दो दो बार डू आ गया, लेकिन नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब वाला डू है और ये मेन वर्ब वाला डू है। दे डू नॉट डू देयर, देयर मैंने अपना, देयर मैंने अपना, देयर वर्क themselves, they do not do their work themselves। क्लियर है, एक वचन के साथ does not और बहुवचन के साथ do not। अब ध्यान दें, जब वाक्य में कभी नहीं आए, क्या है, राम कभी
झूठ नहीं बोलता है। अब देखो ध्यान दो, ये आया कभी नहीं, कभी नहीं, पूरे कभी नहीं की इंग्लिश नेवर है, क्या है, नेवर है। राम नेवर, क्लियर हो गया। अब ये कोई वर्ब नहीं है, डू डज एक वर्ब थी, उस वर्ब के साथ हमने एशोरियस लगा दिया था, नेवर वर्ब नहीं है, नेवर एडजेक्टिव है। नेवर क्या है, एडजेक्टिव है, हमने इसमें एशोरियस नहीं लगाना है। एशोरियस टेंस में वर्ब के साथ आता है, किसके साथ, तो डू डज एक वर्ब थी इसलिए हमने वहाँ पर एशोरियस लगाया था। अब नेवर इसमें एशोरियस नहीं लगेगा, नेवर मैंने कभी नहीं, अब मेन वर्ब में एशोरियस लग जाएगा। राम नेवर टेल्स अ लाई, राम नेवर टेल्स अ लाई। ये लड़के कभी सच नहीं बोलते हैं। अब देखो ये लड़के, अब ये साथ में लगा हुआ है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दीज दीज बॉयज। अब कभी नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नेवर नेवर। अब लड़के ज़्यादा हैं, ज़्यादा के साथ एसोरियस नहीं आता है। दीज बॉयज नेवर स्पीक द ट्रूथ, वे लड़के कभी सच नहीं बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब जो तीसरा है इसका भाग, वह है इंटरोगेटिव। क्या है, इंटरोगेटिव। इस बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। ये भी सेंटेंस का एक भाग है, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम सामने वाले से प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्न में अपना जवाब देता है। मैंने पहले अफर्मेटिव में यस लिखा था, नेगेटिव में मैंने नो लिखा था, बिल्कुल इसके सामने लिख दिया है यस और नो। यानी कि ये इंटरोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं, पहले वाले वो जिनका जवाब हाँ ना में मिल जाए और दूसरे वाक्य वो जिनका जवाब हाँ ना में नहीं मिलता है। तो हाँ ना वाले जो होंगे इनमें क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं आएगी, जिनका जवाब हाँ ना में नहीं मिलेगा वहाँ पर हम क्या की इंग्लिश व्हाट लिखते हैं। यहाँ पर क्या के स्थान पर आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, डू डज का, देख लें एग्जांपल। तो सबसे पहले रूल तो बनाने का, रूल क्या है, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान। क्या राम पढ़ने, क्या राम पढ़ने जाता है, तो आपका जवाब मिला सर यस, आपने क्या बोला यस, तो या दूसरे ने क्या कहा नहीं, आप दो जवाब दे सकते हैं, क्या राम पढ़ने जाता है यस, क्या राम पढ़ने जाता है, आपने कहा नहीं, हाँ या ना। जब ये पोजीशन आपके सामने आए हाँ और ना वाली, उस टाइम आप इस क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे व्हाट, इसके जगह पर आप लगाएंगे डज, क्या लगाएंगे, डज राम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्टडी, डज राम गो टू स्टडी, लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क का निशान। अब आपको हाँ में जवाब देना है, काई में जवाब देना है, हाँ में, तो आप हाँ में जवाब देके देख लीजिए इसका यस, आप हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या हट गया, राम पढ़ने जाता है, अफर्मेटिव पढ़ के आए हो, राम गोस टू स्टडी। अब ना में जवाब दो नहीं, तो नहीं वाले वाक्य आपने नेगेटिव पढ़े हैं, वहाँ पर आप लिख देंगे राम डज नॉट गो टू स्टडी।
क्लियर हो गया? हाँ ना, मैं जवाब। इस प्रकार आप अपनी स्पीकिंग को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न पूछिए, क्या राम पढ़ने जाता है? यस सर, राम गोज टू स्टडी। राम पढ़ने नहीं जाता है, राम डजंट गो टू स्टडी। क्या वे खेलने जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या वे खेलने जाते हैं? क्या वे खेलने जाते हैं? अब देखें, ये एक से ज़्यादा हैं तो इसके लिए क्या आएगा? डू। क्या आएगा? डू दे गो टू प्ले। डू दे गो टू प्ले। तो आपने कहा सर यस, या आपने कहा नो? आप जवाब दे रहे हैं कि वो खेलने नहीं जाते हैं, तो आपने बोला यस। तो अब आपने क्या हटाइए? हाँ में जवाब मिलेगा। क्या वे खेलने जाते हैं? यस, वे खेलने जाते हैं। दे गो टू प्ले। दे गो टू प्ले। आप मना कर दीजिए, नहीं। दे डू नॉट गो टू प्ले। बच्चों कन्फ्यूज ना होए, डू डज को आप डोंट और डजंट भी बोल सकते हैं। दे डू नॉट गो टू प्ले, दे डोंट गो टू प्ले। इस प्रकार से जब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, जब क्या हो? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो भी देख लीजिए आप। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो सबसे पहले आपको डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का निशान। तो आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। अगर आप वहाँ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप शुरू में भी लिख सकते हैं डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या राम पढ़ने नहीं जाता है? डज राम नॉट गो टू स्टडी। तो आप इसको दूसरा रूल बताया मैंने, डजंट राम गो टू स्टडी। तो इस तरीके से आप वाक्य को बना सकते हैं हाँ ना में जवाब दे के, और या फिर नेगेटिव वाले वाक्य में आप बता सकते हैं डजंट राम गो टू स्टडी या डज राम नॉट गो टू स्टडी। और स्टूडेंट्स, मैं बोर्ड पर 5 सेंटेंस लिखूंगा और जिनका जवाब आप हाँ ना में देंगे। हाँ ना में जवाब दे के आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई डाउट पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं और उसमें रिप्लाई भी देंगे। और व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल पर है, आप उसमें भी अपना कोई डाउट क्लियर करना हो इन टेंसेस को लेके तो पूछ सकते हैं। और जो सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड हैं, जिनको आप क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानते हैं, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अलग अलग टेंस, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट को अलग अलग पढ़ेंगे। फिलहाल हमारी जितनी वीडियोस बन रही हैं वो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव पर बन रही हैं। तो प्लीज़ आप सारे सेंटेंस भी नोट कर लें, मैं लिखता हूँ बोर्ड पर, जिसका जवाब आप हाँ और ना में देंगे।
तो ये स्टूडेंट्स 5 सेंटेंस हैं जो मैंने आपको बनाने के लिए दिए हैं। क्या राम अपना कार्य करता है, तो यहाँ पर आप इसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे, उसके बाद आप जवाब देंगे यस हाँ, फिर दूसरे में ना। सेम, क्या वे लड़के घूमने जाते हैं, पहले आप यहाँ पर इसकी इंग्लिश बनाएंगे और उसके बाद आप जवाब देंगे हाँ और ना, यस और नो, और इसकी इंग्लिश बनाएंगे। इंग्लिश बना के आप जवाब ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। और सभी स्टूडेंट से लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट या निवेदन करता हूँ कि आप डेली वीडियो को देखें, और अगर आपको बच्चों को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मेरी MB इतनी फूक जाएगी, या ये लगता है कि मेरा समय बहुत ख़राब हो जाएगा, तो बच्चों आपने मोबाइल फ़ोन किस लिए लिया है? आपके मम्मी पापा ने 20-25 हज़ार के फ़ोन क्यों लेके दिए हैं? पढ़ने के लिए। अगर आप इसका उचित प्रयोग पढ़ने के लिए करेंगे तो मम्मी पापा MB की कमी नहीं छोड़ेगा, वो आपको डबल डलवा के देंगे। आप पढ़ने के लिए यूज़ करें, अगर उसको लोड कर लें, लोड करने के बाद 10 बार देखें, और लोकल में रहने वाले बच्चे जो यहाँ क्लास में पढ़ने आते हैं, वो पढ़ते समय अगर आप घर से देख के आएंगे, लिख के लेकर के आएंगे, तो आप अपने डाउट यहाँ भी क्लियर कर सकते हैं। और जो बच्चे दूर किसी जगह पर बैठ के भी वीडियो को देख रहे हैं, वो बच्चों के लिए शूट है कि आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना काम करके उसकी फ़ोटो भेज के पूछ सकते हैं। यानी कोई भी आपका डाउट हो तो कॉल पर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो और सब बच्चों के लिए थैंक्स, और ध्यान रखें आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी पूछें। सब्सक्राइब इसलिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक्स। अरे बच्चों, आप व्हाट्सएप पर भी जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक का ग्रुप दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख लेंगे और व्हाट्सएप पे भी आपकी स्टडी हो सकती है। थैंक्स।